हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से काउंसलिंग का जो दौर है वो चल रहा है, जो कि बढ़ता जा रहा है 16 से 22, 22 से 28 और 28 से आज आपको पता ही है कि कौन तारीख है। तो दोस्तों, अभी फटाफट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अभी फटाफट मेरे पास जो कि फ़ोन आ रहे हैं और साथ ही मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और साथ ही उसमें व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें तो आ ही रहे। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि कई सारे स्टूडेंट भी मैसेज किए, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक मैसेज आ रहा है फटाफट सभी के मोबाइल में। आपके मोबाइल में कैसा गया होगा, या मेल थ्रू गया होगा, जीमेल थ्रू, या फिर मैसेज द्वारा, अभी कॉलिंग द्वारा तो किसी ने नहीं बताया कि कॉलिंग से मैसेज आ रहा है। तो आई होप कि आपके पास भी गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो आप चेक कर सकते हैं, उस मैसेज को चेक कर लीजिए आपके मोबाइल में, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। साथ ही अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग की दौर जो डेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, बढ़ते जा रहा है? तो देखते हैं कि आज का जो वेबसाइट है आज ओपन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। डॉक्यूमेंट जमा करने का वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। साथ ही बहुत लेट होते जा रहा है ना? तो यह है कि कुछ स्टूडेंट का ये भी मतलब वो था कि चलो इतने टाइम मिला, हमारा कार्ड सर्टिफिकेट बन गया, जाति सर्टिफिकेट बन गया है ना, जाति केंद्रीय प्रमाण पत्र बन गया और EWS बन गया, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट है, TC नहीं निकला था, TC निकल गया। तो ये कैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब वो था कि थोड़ा लेट होता। चलिए कोई बात नहीं, अब मतलब फिर से एक नोटिफिकेशन शो करने लगा है और मैसेज शो करने लगा है कि अब जल्द ही होगा। हाँ, मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही लिंक खुलेगा या वेबसाइट खुलेगा या फिर और कुछ होगा, तो जैसे लिंक खुलेगा या वेबसाइट खुलेगा तो आपको 3 दिन तक 24 घंटे में कभी भी करवा सकते हैं। यानी कि 3 दिन आपकी लिंक ओपन रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप रात को कैफे यानी कि कैफे या फिर ऑनलाइन MP ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन जिसे कहें वहां जाके करवा सकते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन, आप 3 दिन तक नो टेंशन नो बे डाउट और 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, वो लिंक खुला रहेगा। तो 3 दिन तक तो जैसे कि जैसे ही लिंक ओपन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप अगर उस दिन नहीं जा पाए तो अगले दिन भी जा सकते हैं, लिंक बंद नहीं होंगे, 3 दिन तक खुला रहेगा। और आपके मोबाइल में मैसेज भी चला गया होगा, अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लें, अगर आपने मेल या जीमेल दिया था तो उसमें भी चेक कर लें, शायद आया हो। और कई सारे स्टूडेंट ये हैं कि जो बोल रहे हैं कि सर मेरा कट ऑफ लिस्ट मतलब कि कहने मतलब कि 104 है, ठीक है, 104 है और हमारा कट ऑफ लिस्ट और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया है 103, 102 यानी कि 103। तो जब 103 आया है और कट ऑफ 104 गया है, 104 गया है, फिर भी उनके मोबाइल में मैसेज आया है तो उनकी संभावना कितनी है, मतलब कि उनकी संभावना कितनी है एडमिशन होने में। तो दोस्तों, उसमें तो मैसेज आया है तो आई होप कि आपका सिलेक्शन होना संभव है, बट कि अभी कट ऑफ लिस्ट से ऊपर वालों का होगा। सेकेंड कट ऑफ जैसे आएगा उसमें आपका हो जाएगा। अगर आपकी जैसे कि वो होता है, जैसे अभी आप जानते होंगे कि NCC का और NSS का भी कट ऑफ लिस्ट गिरा था, तो आप अगर वो सर्टिफिकेट धारी हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप उसके थ्रू भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ नंबर तो बढ़ ही सकता है। साथ ही उसका कट ऑफ लिस्ट अलग से आया है तो उसमें जिसके पास सर्टिफिकेट है, लंबा सर्टिफिकेट है, स्टेट का है, सेंट्रल का है ना, तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू लगा के, या फिर जो NCC के सर्टिफिकेट है तो NCC के B या C सर्टिफिकेट भी तो ज़रूरी है। A सर्टिफिकेट भी मतलब वो रहता है, A सर्टिफिकेट का कम नंबर रहता है, B सर्टिफिकेट का NCC में
ज़्यादा नंबर रहता है 10%, और सी सर्टिफिकेट जो होता है उसका 15% पॉइंट मिल जाता है। तो यह होता है कि मतलब सर्टिफिकेट जो है वो बढ़ता जाता है उसका। सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आपका 103 है और कट ऑफ लिस्ट 104 है तो आप उसमें एक तरह का ज्वाइंट कर सकते हैं, है ना। तो आपका नंबर जो संभावना है वो बढ़ सकता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, कुछ नॉलेजफुल रहा हो। तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उसे भी मैसेज देखना है और समझना है, जानना है। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अपडेट, ताज़ा, लाइव और आपको प्रेजेंट बताने के लिए। मिलते रहेंगे हम।